महत्वपूर्ण चुनाव हमारे लिए है। विधानसभा चुनाव में थोड़ी कमी रह गई थी, लेकिन निश्चित रूप से उस कमी को हम इस चुनाव में पूरा करेंगे। जिस प्रकार से अभी मात्र 4 महीने की सरकार का कार्यकाल हुआ है, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी मात्र 4 महीने में इस सरकार के खिलाफ हो गई। आज नामांकन का अंतिम दिन है। मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। उसका मुख्य कारण जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनी है 10 घंटियों को लेकर, उसमें कोई गारंटी पूरा नहीं हो पाया। माने सुखविंदर सुक्खू जी ने जो TCP के रूल्स बदले हैं, मकानों किसके लिए बदलाई, क्या उसके अपने अपने रिश्तेदार तो नहीं, अपने आप को सम्मिलित तो नहीं है, और DA दिया जा रहा है। एक तरफ से आचार संहिता लगा है और दूसरी ओर से इस वक्त जो है ये काम करना, क्योंकि वो बौखलाहट उनको पता है कि नगर निगम में वो जीतने वाले नहीं है। शिमला शहर में ये जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, ये अगले 5 साल में दिशा तय करेगा कि विकास की दिशा जो है वो क्या रहेगी। शिमला शहर की जनता भलीभांति परिचित है, वो लंबे समय से इस नगर निगम के चुनाव में भागीदारी करती है। 10 साल जो शिमला नगर निगम के खराब हुए, शिमला की जनता का जो विकास की दृष्टि से पिछड़ा और लोगों की जो समस्याएं 10 सालों में बढ़ी है, कांग्रेस आप जानते हैं कि थ्रू आउट कांग्रेस का इन 10 सालों को छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी हमेशा नगर निगम में रही, और आज वही काम दोबारा से शिमला की जनता के लिए जो कांग्रेस पार्टी की सरकार विधानसभा में बनी है उसके साथ मिलके, मुझे ऐसा लग रहा है जो एक जोश लोगों में दिख रहा है, जो आप देख रहे हैं समर्थकों में और लोगों में आम जनता में, कांग्रेस पार्टी का माहौल है। हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से जो है शिमला नगर निगम में वापसी करेंगे।